24 में आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। पानी के लिए तरस रहे हैं इंटर स्कूल के नूरपुर के बच्चे और शिक्षक। भीषण गर्मी का माहौल चल रहा है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल करके रखा है। भागलपुर जिले के इंटर स्कूल नूरपुर से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जहां विद्यालय के शिक्षक ही नहीं वहां के बच्चे भी पानी की समस्या से परेशान हैं। ये समस्या आज से नहीं बल्कि एक डेढ़ माह से चल रहा है जिसकी चिंता किसी को नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा नाले के निर्माण इस तरह से किया गया कि विद्यालय के पानी की निकासी ही बंद हो गई, जिसकी वजह से विद्यालय में पानी जमा हो गया और उसे बदबू भी आने लगी, जिसके कारण विद्यालय के शिक्षक और बच्चों का जीना मुहाल हो गया है। मजबूरन विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक डेढ़ माह से खरीद कर बच्चों को पानी पिलाना पड़ रहा है। पानी की समस्या के संबंध में प्रभारी द्वारा विभाग के अधिकारियों को भी आवेदन दिया गया लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। के पास मतलब बच्चों यहाँ पे बोल रहे हैं तो क्या मतलब सही बात है सर? ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ को एजुकेशन है 9 to 12। हाँ। जिसमें कि बड़ी बड़ी बच्चियाँ भी है, काफी वॉशरूम में भी काफी परेशानी हो रही है। जो एक हमारा अपना विद्यालय का एक जो पंप चल रहा था जिससे हम काम चला रहे थे, पानी पीने के लिए हमने तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए का मशीन लगा रखा है। कहाँ पे लगा है सर? एक प्लस टू वाले बिल्डिंग में नीचे, सीढ़ी के नीचे है। अच्छा, उसको दिखा सकते हैं? एकदम बिल्कुल, चल के आप देख सकते हैं उसको। और क्या नाम हुआ? रिमझिम कुमारी। क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत है। कब से दिक्कत है आप लोग को पानी से? एक महीना से। तो क्या कहाँ से पानी पीते हैं आप? स्कूल खरीद के सर पिलाते हैं। कौन सर पिलाते हैं? क्या नाम है सर का? प्रिंसिपल सर। क्या नाम है सर का? प्रिंसिपल सर का नाम क्या है? स्वीटी कुमारी। क्या दिक्कत है यहाँ? मेरे स्कूल में पानी का बहुत दिक्कत है। कौन सा स्कूल है? इंटर स्कूल नूरपुर। अच्छा, तो क्या मतलब किसी को शिकायत किए हैं पानी के विषय में? पानी नहीं है, हम लोग को कष्ट करना पड़ता है। प्रिंसिपल सर को। अच्छा सर, यहाँ दिक्कत है। और प्रिंसिपल जोर से बोलो। प्रिंसिपल सर रोज 5 रुपए पानी लाते हैं और सारे बच्चे को पिलाते हैं। मंगवा के पिलवाते हैं। देश की, अपने प्रदेश की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24।